हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंगूर से बहुत ही टेस्टी जैम। इसे आप घर पर आसानी और सिंपल तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं, सिर्फ अंगूर और चीनी से। और अंगूर के सीजन में इसे बनाइए और 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करके रखिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसे खाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इतना टेस्टी जैम घर पर बनकर तैयार हो गए। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। 500 ग्राम अंगूर लिए हैं, इसे धोकर साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इस तरह से एक छन्नी लेंगे और इसे छान लेंगे। और छानने के बाद इस तरह से इसका छिलका निकलेगा, तो छिलका हटा लेना है हमें। और इस तरह से हमें इसका जूस निकाल लेना है। तो इसी तरीके से सारा जूस निकाल लेंगे। मैंने सारा जूस निकाल लिया, आप देख सकते हैं 500 ग्राम में कितना सारा जूस निकल कर तैयार हुए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर इसे डाल लेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और 4 से 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 कप चीनी डाल लिए हैं। आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से इसमें चीनी डालिए और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और जूस जो है हल्के गाढ़े होने लग गए हैं। अब इसमें फूड कलर डालेंगे। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन फूड कलर डालने से थोड़ा अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल लिए हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे चलाते रहेंगे और 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो जूस है काफ़ी गाढ़े हो चुके हैं। इसे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे और अभी इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी ये गाढ़े हो चुके हैं, क्योंकि बनकर तैयार हो गए हैं। जब ठंडे होंगे तो और गाढ़े हो जाएंगे। तो गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, जैम बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अंगूर के सीजन में बनाइए और इसे 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करके रखिए, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।